Assalamualaikum and welcome back to my channel and a new vlog. So, इस vlog में है something new. We are going to a new trip which is Darjeeling and we are all wearing the same t-shirt. I'll show you at the station. We are all going to station because we are getting late. So, let's go. हम सब एक t-shirt पहने हैं. शामे मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए हाँ कोई कल बोल रहा था हम लोग तो उठ जाएंगे तैयार भी हो जाएंगे देखिए बना लेंगे ये वो नहीं लगा रहे देखा रास्ते में जो नशा करके गिर जाते हैं रास्ते में हेलो गाइस तो आज है हमारा सेकंड डे एंड आज हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग के जू तो मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि सानिया अपनी को देखते हैं वेदर शी इज रेडी या नॉट रेडी है यस वी आर रेडी चलो नाश्ता करने गाड़ी फोन कर रहे हैं Let's go and see how the son of a dresser. Let's go. अच्छी लग रही है नहीं पिंक पिंक पहनो ये दिल्ली से ली थी ये बैग मेरे से मैच नहीं कर रहा क्यों लगा मेरे से मैच चल हाँ कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा हाँ अपनी तरह में खुद के तो लड़ सकते हैं सो आई एम रेडी टू गो आउट एवरीवन इज रेडी आई एम नॉट रेडी एंड लुक एट इज नॉट लुकिंग द बेस्ट रेडी हो गए मेरे और हम लोग ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट खाने के बाद हम लोग चले जाएंगे जू एंड और टी गार्डन लेकर बहुत मोटे हो गए हमारे ड्राइवर ने हमें धोखा दे दिया जाना और वो सो गया आसिफ ये किसका है ये मेरा प्लेट दियो तो जा रहे जा रहे मेरे पास है ये रखिएगा आसिफ अंदर घर से लाई हुआ ना क्या लाइट आ रही है मुंह पे अभी रिसेप्शन में बैठ के वेट कर रहे हैं हमारी गाड़ी का होना चाहिए ना हाँ तो ज्यादा करती है मतलब
हम लोग जू के एंट्रेंस पर पिंकी पोंगी ऐसे बलबो बन गया है। सबको बुलाइए, 8 जनों सर। लाइन लाइन एक We got a mirror here. आपको भी ड्रेस करा देंगे। एक ने तो हट गई। एक तो शीशा में छोटा सा ही मिला है, लेकिन सब उसी में गोफ हो गया। ये अभी लोग को क्या है? तो बकरी में क्या दिख रहा है? ये है अलग-अलग टाइप की बकरी। चलो चलो। यहाँ पर भी बकरियाँ, ना वो बकरियाँ है ना वो डियर है, वो दोनों की मिली हुई जात है। कहाँ देखा है ये? मैं वो अच्छी वाली गोट से तो एक ही है। कहाँ ऑक्स? वो ऑक्स नहीं है, वो गाय है, वो गधा है, नहीं पीकॉक है। पीकॉक है वो, कुछ भी दिख रहा है। कौन बोला भाई पीकॉक? सो रहा है दिख रहा है। यू कांट सी अस, कांट सी वी आर पीकॉक। हाय, दिस इज द ओल्डेस्ट स्पीशीज ऑफ डियर। ओल्डेस्ट स्पीशीज ऑफ डियर। हेलो हेलो। Let's see time. ऊपर आ जाओ, दिस इज द ओनली एनिमल विच कैनॉट बी टेम्ड। ऐसे वाला तो अरे ये देखिए, ये इसको देखिए तो पूरा पाप नहीं चाहिए। चलिए आप ये बनाइए ना बाबा, मैजेंटा पिंक बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं हाँ ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बना ले, ये बना दे आपका। ब्लैक एंड पिंक बना दो, हाँ वो अच्छा लग रहा है। ये देखो ना ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं ब्लैक एंड पिंक उसका बना अच्छा। ठीक है ब्लैक एंड पिंक बना दीजिए।
This man was so artistic. He was just making these hand bands in 2 minutes, and he was making it with wool and writing the names on it, and it looked very difficult. This is also one of the spots we had to visit. There are two rocks called the Tenzing Rock and the Gambu Rocks, but we could not visit due to lack of time, and there was another spot to visit, so we skipped this one. And there's a huge history behind these rocks. This place was so beautiful, you cannot even imagine. It was more beautiful, more than the pictures you can see. And you know, it felt like we are above the clouds, and everywhere there was white. Nothing could be seen. We are on top. To wear the costumes. We are going to wear the tea garden costume. देखो तो जो है मेरा प्रकरण ले फिर हमारे आपके पास. चलिए. बस दो ही ऑप्शन है ब्लू एंड रेड. ब्लैक नहीं है. ब्लैक नहीं होता है भाई ब्लू एंड रेड ही मिलता है. मुझे पिंक कलर का दे दो. बाबू. आशीष. अच्छा लग रहा है. मैं ओरिजिनल वाले लग रहा है. अच्छा जाके पत्तियां तोड़ते हैं. हम थोड़ा पत्तियां तोड़ अपने घर के लिए चुनके सभी चाय बनाएंगे. मैं कितनी फनी लग रही हूँ यार. Where are you going? Oh, Amir bhaiya. पहले बच्चे लोग खुल रहे मैं एकदम रियल वाली लग रही हूँ. मैं एकदम रियल लग रही हूँ ना सोया. देखिए पीछे पहाड़ों में इधर 20 से जाके वो बंद करेगी. आप लोग दोनों लग रहे डफली बजाने वाले. कवाली वाले कवाली. सो नाउ ऑल द स्पॉट्स आर ओवर. Now we are going home, and then Shamko we will go to the market. So अभी जाके हम लोग घर पर rest करेंगे. उसके बाद शाम को जाएंगे आराम से fresh होके. So bye.